जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपका जो लगातार कमेंट आ रहा है, पहली बात तो आप इस तरह का कोई भी कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट के आधार पर ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप लगातार पूछ रहे हैं, हो सकता है आप अपना बड़ा भाई मान करके, छोटा भाई मान करके आपको ऐसा लगता है यार चलो सर से ऐसी चीज़ें हम पूछ लेते हैं। देखिएगा, पेपर नहीं हुआ है, आप ये मत समझना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप इनडायरेक्टली कट ऑफ भी बोल सकते हैं। लेकिन यार देखो, पेपर नहीं हुआ है तो उससे पहले कट ऑफ का कोई मतलब नहीं बनता। आप ये समझें कि जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, वो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो अपना जो है वो स्टैंडर्ड रखना कि कम से कम इतना तो आपका स्कोर बनना चाहिए, ठीक है। तो आपने मुझे पूछा कि सर भैया आप जो है इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा, हमारा कम से कम कितना स्कोर जो है वो टेस्ट जो हम लगाते हैं, तो जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनमें कितना रहना चाहिए, कितना हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो मेरे भाई देखो, टारगेट तो मैं एक सीधी लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई टारगेट ना आप 200 रखिएगा, ठीक है। ये स्कोर ना तो कम है ना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना ही बहुत कम है। 200 अगर आपका स्कोर बन रहा है, यानी 180 से ऊपर, मतलब मेरी बात मान लो कोई भी कैटेगरी हो, आप कम से कम जो है, जैसे मान लो जनरल की कैटेगरी है, तो वो आराम से 200 से ऊपर अपना स्कोर करें तो वो सेफ जोन में रहेंगे। इधर साथ ही में अगर आप जो है एससी और ओबीसी हैं, तो आप ये मान के चलें और इसी में ईडब्ल्यूएस भी जोड़ दीजिएगा, तो 180 से 200 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो भाई बेहतर है, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज़्यादा हवर धवर मत करना, ज़्यादा टेंशन लोगे फिर पढ़ नहीं पाओगे। बात करते हैं आपका एसटी, अगर 170 से 180 के बीच में अगर आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर बन रहा है, तो ये भी एक सफिशिएंट है, आपको मोटिवेट करेगा ये। इसको आप जो है गलत तरीके से मत पेश करना, आपको पता है यार सर हमारा 175 आ रहा है और क्या पता नहीं कितना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, हमारा इतना नंबर कट रहा है, और आज हमने जो प्रैक्टिस सेट लगाया उसमें हमारा 200 नंबर था और हमने अभी लगा लिया उसका हमारा जो घट करके 180 185 हो गया, ये होता रहता है। देखिए, क्वेश्चन जब चेंज है तो आपका जो नंबर है वो भी चेंज होगा, इसलिए उसको कभी भी जो टेंशन मत लेना। मैंने आपको अपने साथ में OMR शीट शेयर की थी, जब एक समय होता था जब प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो 180 185 90 है, 200 है 230 हो गया, और अगले सेट में जो 170 रह गया। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल के ऊपर, आपको नहीं पता होगा, नहीं वो सवाल समझ में आ रहा है तो आपका स्वाभाविक है वो कटेगा। तो इसलिए कम ज़्यादा हो रहा है तो बिल्कुल चिंता मत करना, आपके साथ में ही जो है वो, मैंने भी इस तरह की पढ़ाई की है, तो ओवरऑल इसको मैं कहना चाहूँगा अगर आपका ये रेंज प्रैक्टिस सेट में आ रहा है तो भाई बेहतर है। और एक दिन के अंदर 2 से 3 अगर आप लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे होते हैं, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आप सबको जो है वो बता दिया है कि चक्षु प्रकाशन ने भी जो है वो मार्केट में अपनी बुक लॉन्च कर दी है, उसको भी मैंने आपको बता रखा है। ये चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, तो पाठ्यक्रम पर आधारित है ये, जिसमें कि आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और साथ ही में 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ इनके प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट भी एकदम लाजवाब है। प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या मिलेगा वो आप देख लीजिएगा, कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए बाय करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं करना है, जब जब समय मिले तब तब आप पढ़ लीजिएगा और पूरा समय पढ़िएगा। देखिएगा, सोने का आप पूछ रहे हैं साहब सोने का कैसा करें, देखो भाई सोने का आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखिएगा जो आपको उचित लगे। बाकी अगर मेरे बारे में आप पूछ रहे हैं सर आप बता दो अपने बारे में, तो देखिए मैं नाइट में 12 बजे तक पढ़ता था, अब रात में 12 बजे पढ़ने के बाद सीधा मैं सोता था सुबह 6 बजे तक। रात का जो समय होता है, जो सोने का समय होता है, वही मैं यूटिलाइज करता था सोने के लिए। तो जो समय है, जिस चीज़ के लिए हमारा बॉडी बना हुआ है, एग्जैक्टली उससे ज़्यादा खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति के अलग अलग। उसको नाइट में पढ़ना, पूरी नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, पूरे दिन सोना अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करती हैं। तो मेरा तो यही था, रात में 12 बजे तक पढ़ना, 12 से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं, तुरंत मैं लेट जाऊंगा, थोड़ा गेम चला लेता था, और उसके बाद सुबह जो है 6 बजे से पहले जगना नहीं, लेकिन 6 बजे के बाद में तुरंत अपना उठना। और एक और चीज़, पूरा जो समय होता था पढ़ाई का, उसमें भाई साहब नो ब्रेक, अगर कभी हल्का फुल्का दर्द हो रहा है सर में, हेड डाउन किया, एक घंटे आधे घंटे के लिए आराम से रेस्ट कर लिया अपनी लाइब्रेरी में, उसके बाद रात और दिन लगातार पढ़ाई किया। तो ये आप एक रूटीन बनाइए कि यार इससे पहले सोऊंगा नहीं, ठीक है, यानी 12 बजे से पहले मैं सोऊंगा नहीं, 10 बजे का टाइम है आपका, नींद आ जाती है, तो 10 बजे से पहले भाई मैं सोऊंगा नहीं और 10 बजे के बाद में मैं भाई जागता नहीं रहूंगा। ये एक शेड्यूल होता अपने आप में। तो अपना आप ध्यान रखिएगा, आपका अगर आपका भाई है कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा, और वीडियो के यार बिना लाइक किए तो आपको नहीं जाना है, आपका ही अपना चैनल है,
आपने यार बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करके इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो जिस तरह से सपोर्ट दिखा रहे हैं यार, बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या बताएं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ कर के भी कैमरे पर आ जाते हैं कि चलिएगा, विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है तो एक बार उनकी बात को भी रख देते हैं। बाकी आप जी जानते हैं, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लेकिन जो सपना आपने पाल रखा है, जो आपको जिस चीज़ के लिए ललक है, जो आपको देख करके सुकून फील होता है। एक समय ये था कि जब मैं भी आपकी तरह ही जो वीडियो मैं देखा करता था, जो नौकरी कर रहे हैं हमारे सीनियर, वो उनकी वीडियोस में ब्लॉग्स देखा करता था, उससे मोटिवेशन मिलता था। वो क्या कह रहे हैं उससे खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यार ऐसा फील आता था यार भाई पेपर हो जाए ना, अगली साल मेरा भी जो है ये वर्दी तन पर चढ़ेगी और मैं भी नौकरी करूँगा, मज़े करूँगा अपनी ज़िंदगी के। ये होता है, जब देखिएगा आँखों से जैसा देखोगे वैसा ही आपका ब्रेन काम करने लगेगा। आप अगर अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छा फील होगा, कॉमेडी की चीज़ देखेंगे तो कॉमेडी वाला फील होगा। ये आपके ऊपर है, आप क्या देख रहे हैं, तो जैसा देखेंगे। बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं भाई, सामने वाले को देख करके ना फिर रातों रात गुजार देते हैं पढ़ने में, उनके अंदर एकदम कीड़ा जागता है, यार ये पढ़ रहा है यार मैं भी पढ़ता हूँ। इसलिए अपना ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, हो सकता है जो मेरे समझ में आपकी प्रॉब्लम आती हो तो मैं ज़रूर जो है उसको सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।